मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो परिजन है उनका कहना कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए कानपुर के हाईलाइट अस्पताल, जहां पर उनकी तबीयत जिनको भर्ती करा गया था। स्कूल कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को। तो भयानक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस भीषण हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। कानपुर में मातम में बदली खुशियां। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। कानपुर में मौत की ट्रैक्टर ट्रॉली। कानपुर में हुए भयावह सड़क हादसे में कई परिवारों की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गई। फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर खुशी खुशी घर लौट रहे कई परिवार के लोग मौत के मुंह में समा गए। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और दर्शन करने के बाद अपने गाँव कोरथा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घाटमपुर के पास उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे मौजूद एक तालाब में बेकाबू होकर पलट गई। महिलाओं और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाएं, बच्चे, भरे हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई, पलट गए थे और पानी में 26 लोगों की तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन आसपास के लोग वहां जमा हो गए और तालाब में गिरे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उनमें कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोगों को तालाब से बाहर निकालते दिखाई दिए, लेकिन हादसे की वजह से वहां हालात बेहद खराब हो चुके थे क्योंकि कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही दबे हुए थे जिन्हें निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसे देखते हुए वहां एक ट्रैक्टर को लाया गया जिसकी मदद से तालाब में पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करने की कोशिश की गई ताकि उसके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली टस से मस नहीं हुई। इस बीच वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस के जवान भी वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन पानी में डूबने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हाईलाइट अस्पताल की, जहां पर जो घायल भर्ती हुए हैं, कल रात जो घटना हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें आपको कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोग घायल हैं जिन्हें हाईलाइट अस्पताल में भर्ती करा गया है कानपुर के, जहां पर मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही उनके साथ
विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, चूंकि वो कानपुर से ही आते हैं, राकेश सचान और एक और मंत्री को कल रात ही युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। और आज मुख्यमंत्री ने यह भी कहा गृह विभाग को कि आने वाले वक्त में ये प्रशासन तय करे कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारियों को ढोने में बल्कि किसी को बैठाने के लिए इस्तेमाल न हो, सामान ढोने में ही किया जाए। अगर ये सक्रियता पहले रही होती तो शायद इतने लोगों की जान बच जाती, लेकिन अब इस पूरे घटना को लेकर के सीएम ने आदेश भी दिए हैं।